अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स। इसमें दिया हमारे पास फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास जी ये एक बॉल है, ठीक है, हमने एक बॉल लिया होगा, ठीक है। अब बॉल जब आपका रेस्ट पे, इसको हम बोलते हैं इसकी मीन पोजिशन। जब आपका जो बॉल है वो रेस्ट पे है, ठीक है, अब ये हम इसे कहते हैं कि हमारे पास ये कौन सी पोजिशन है, इसको हम बोलते हैं ये हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, ये भी हमारे पास कौन सी पोजीशन है, ये भी हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन है। अब हमारे पास यहां पहली प्रॉपर्टी ये है कि जब आपने इस बॉल को यहां से यहां मूव करना है और यूं ही इसको हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, ये आपका टुवर्ड्स मीन ही आएगा, ठीक है। फिर मीन से होते हुए टुवर्ड्स एक्सट्रीम जाएगा, यानी ये हमारे पास जब हम इस बॉल को यहां से रिलीज करेंगे तो इस तरफ को मूव करेगा, यानी कि टुवर्ड्स हमारे पास मीन आएगा। अगर हमारे पास मीन हम कहते हैं पॉइंट ओ है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है। इसके हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है, जो ही हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर जब भी किसी बॉडी को बॉडी में यानी वाइब्रेशन जो है वो कह सकते हैं कि मूवमेंट होती है, तो आपका जो बाल है या जो भी कोई बॉडी हमारे पास है वो टुवर्ड्स मीन आती है। सेकंड ये है कि हमारे पास ये जो आपका मेन पोजिशन है, यानी यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास मैक्सिमम, और एक्सट्रीम पे हमारे पास जो वेलोसिटी है वो भी मिनिमम या जीरो होगी। थर्ड हमारे पास ये वाला है कि हमारे पास ना, यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, इन पॉइंट पे कह सकते हैं हमारे पास वो जीरो होगी, और पोटेंशियल हमारे पास जो कह सकते हैं कि होगी मैक्सिमम, और मीन पे हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होगी जीरो और काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी मैक्सिमम, ठीक है। जहां पे आपकी मोशन ऑफ बॉल होगी कह सकते हैं ज्यादा, वहां पे आपकी एनर्जी की काइनेटिक की मात्रा जो ज्यादा होनी है, ठीक है। और जहां पे हमारे पास वेलोसिटी जो कम होगी वहां पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो होनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वन है कि हमारे पास यहां से आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, जितना हमारे पास ये वाला डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतना हमारे पास इस तरह को बॉडी जरा मूव कर आगे जाएगी, जितना हमारे पास ये वाला डिस्टेंस कम होगा उतनी कह सकते हैं हमारे पास जो एक्सेलरेशन की मात्रा है वो कम से कम होगी। उसके बाद नेक्स्ट है हम ना इस सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस करते हुए इन टर्म्स को हम जब वो पढ़ेंगे, पहला दिया हमारे पास वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है कि जब यहां से हमने इस बॉल को छोड़ा ना, तो ये बॉल आगे गया है और ये फिर पीछे आया। अब कह रहे हैं हमारे पास ना एक जो कंप्लीट राउंड ट्रिप होगा ना, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। सेकेंड है टाइम पीरियड के एक चक्कर, यानी ये आगे जाने में और फिर ये वापस आने में, यानी जब यहां से आपने बाल को छोड़ना है तो बाल जो ही आगे गया है फिर दोबारा पीछे की तरफ आया इसी पॉइंट पे, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि हमारे पास एक सेकेंड में जितने हमारे पास बाल आपके वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, आप जितने भी कह सकते हैं साइकिल कंप्लीट करेगा एक सेकंड के अंदर, इसको हम बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमारे पास जो फार्मूला वो ये है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, ये आपका रेसिप्रोकल है टाइम पीरियड का। उसके बाद हमारे पास एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है कि ये आप कह सकते हैं हमारे पास ना जितना ओ से ए का, अगर फर्ज करें हमारे पास यहां पे हम बॉल को लेके छोड़ते हैं फिर आप इस तरफ मूव करेंगे, इसका मतलब ये है हमारे पास ना जितना ये आपका डिस्प्लेसमेंट थोड़ा होगा, आपकी वाइब्रेशन थोड़ी होनी है, आपका जो एम्पलीट्यूड की मकदार है कम होगी, जितना हमारे पास जितना बॉल को हम जो कह सकते हैं आइदर साइड इस तरफ जाए एक्सट्रीम पे इस तरफ जाए, जितना हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना कह सकते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये बात आपने करना है, ये हमारे पास भी कुछ फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन थी, कुछ टर्म्स थी जिनको आपने घर में याद करना है जी। ये क्वेश्चन हमारे पास शॉर्ट में इंपॉर्टेंट पेपर में अक्सर आता है कि फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन या ये टर्म्स हमारे पास कह सकते हैं पूछता है क्वेश्चन में एज शॉर्ट, ठीक है। तो ये आपने घर में याद करना है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़।